हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई बच्चे अभी अभी रिसेंटली जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीजी एट यू एन एफ सी सी का राइट right? वो अभी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है उसके बाद में अब आप आपको देखने को मिलेगा जो करंट अफेयर्स है ना वो थोड़े से आपको इनवायरमेंट सेंट्रिक ज्यादा देखने को मिलेंगे कुछ कुछ तो जो वहां पर डेक्लेन्स हुई है ना बहुत सारी डेक्लेन्स हुई हैं बहुत सारे टारगेट्स uh, को रिवाइज किया गया है और बहुत सारी uh, आपकी नए नए एग्रीमेंट्स आए हैं जैसे एक नया कूल कोलिएशन जो है हमने एक वीडियो में डिस्कस किया भी था कूल cool कोलिएशन बना जिसको इंडिया साइन नहीं कर रहा है राइट right. तो अब आपको इनवायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर जो है उसका दिखेंगी है ना कि ये फलानी रिपोर्ट आई है वो ये बोल रही है यू एन ईपी ने ये निकाल दिया यू ने ये रिपोर्ट निकाल दी है डब्ल्यू ने ये रिपोर्ट निकाल दिया है ना तो आपको बहुत सारे रिपोर्ट देखने को मिलेंगी जो कि उन्हीं एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मोस्टली जो है वो आपकी रिपोर्ट जो आपके सामने आएंगी तो आपको टू द पॉइंट अंदर टू द पॉइंट सीरीज के अंदर भी आपको थोड़े समय तक ये देखने को मिलेगा थोड़े समय मतलब लगभग लग चार लग 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 चार से पाँच वीडियोस के इतना चार फोर फाइव वीडियोज आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आपको इन्वायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और इन्वायरमेंट सेंट्रिक करंट अफेयर्स ही टू द पॉइंट के अंदर फीचर होंगे आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसको भी फीचर कर दूँ पर फिलहाल इन्वायरमेंट uh, जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा uh, जगह लेके रहेगा टू द पॉइंट के अंदर भी एक नया कॉन्सेप्ट आया बच्चे हालांकि ये COP28 से इतना कुछ रिलेटेड नहीं है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इट्स जस्ट अ अर कोंसिडेंस कि हम इसको इस समय पढ़ रहे हैं पर अदरवाइज ये सीओ पी से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर नहीं है ये इंडिपेंडेंट करंट अफेयर है इट इज रिलेटेड टू ओनली और एक नया टर्म दिया गया है ट्रॉपिकलाइजेशन तो ये आपको यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता था टर्म ट्रॉपिकलाइजेशन रिसेंटली हर्ड इन न्यूज इन रिगार्ड्स टू मरीन लाइफ मींस वॉट और चार ऑप्शन दे देंगे वो है ना उसमें से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से ऑप्शन होंगे है ना बीच में एक एक चीज कुछ कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर हम देखते ट्रॉपिकलाइजेशन क्या चीज है ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि आ, ओशन वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है ये थोड़ा सा ओशन वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है मरीन लाइफ से मरीन बायोडावर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है ये आइए तो इतना आपने याद रखना है उसके बाद आप थोड़ा सा गैस वर्क भी कर लेंगे द फिनोमिना ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज देखिए ध्यान से ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज मूविंग टूवर्ड्स पोल्स यस यू हैव हर्ड इट राइट ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ रहा है इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट ट्रॉपिकलाइजेशन मीन्स की ट्रॉपिकल एरिया के जो फिशीज हैं, जो मरीन लाइफ है वो थोड़ा सा कूलर एरिया की तरफ ऊपर को माइग्रेट कर रही है है ना तो उसको ट्रॉपिकलाइजेशन का नाम दिया गया टर्ड्स दी पोल टर्मले ट्रॉपिकलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ठीक है जी तो माइग्रेट माइग्रेशन इज ऑल्टरिंग द इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप्स ऑफ आर ऑप्शन ऑब्वियसली आप ये दूसरी जगह जहां जाएंगी वहां के लिए तो ये एक आ, इन्वेजिव स्पीशीज की तरह बिहेव करेंगी आइए बच्चे आगे चलते हैं

और जो आपके टेम्परेट रीजन uh, की स्पीशीज है उनकी रेंज जो है छोटी होती है रिट्रैक्ट होती है पीछे को आते हैं वो पीछे को खींचते हैं कोई सामने से ट्रॉपिकल uh, से कोई अगर स्पीशीज आ रही है तो किसी एक को वहां से पीछे हटना पड़ेगा टेम्परेट वन आर दी वन जो पीछे हट दिए है ट्रॉपिकलाइजेशन के अकॉर्डिंग ठीक है वो वाली चीजें जो आप अदरवाइज भी समझ सकते हैं अगर आपको ये स्लाइड ना भी हो आप ये चीजें रिड्यूस कर सकते हो क्वेश्चन से कर पाओ इसलिए मिला था वहां सबसे पहले ट्रॉपिकलाइजेशन हुई थी आपने याद रखना बच्चे और इसको ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी को और ठीक है जी तो अगर आपको आएगा विच वन ऑफ दॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट चार ऑप्शन देंगे तो मेडिटेरेनियन सी इज दी आंसर है ना तो आपने थोड़ा सा इसका कि हो सकता है, ये पेपर के अंदर, है वो पूछा जाए राइट द ग्लोबल शिफ्ट इज ऑल्टरिंग ओशन इकोसिस्टम बायोडावर्सिटी ग्लोबल इकोनॉमी बच्चे का नाम था जिसके अंदर ये स्टडी आई है ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज को बोला है ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज शिफ्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वर्ड पोल्स ठीक है जी तो तीन चार डेफिनेशन आपको मिल गई ट्रॉपिकलाइजेशन की फ्रॉम दी इक्वेटर टू पोल्स जो मूवमेंट है उसको ट्रॉपिकलाइजेशन कहा गया है अगेन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है बच्चे इट इज द एक्सटेंसिव लिटरेचर पिछले 20 ईयर का डाटा इन्होंने रिसर्च किया है मास्वेंट ऑफ मरीन लाइफ इज डिवन बाई द राइजिंग सी टेम्परेचर एंड मरीन हीट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज का एक असर है ये ट्रॉपिकलाइजेशन तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आप वन ऑफ दॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट uh, चेंज है ना uh, या फिर नॉट बट ऑफ क्लाइमेट जो ट्रॉपिकलाइजेशन इज एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज राइट तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज का इसके अलावा ओशन वार्मिंग ये कॉन्सेप्ट है तो ओशन वार्मिंग एज द कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है अभी हमारे पास टू द पॉइंट में इतना टाइम नहीं है राइट right? और ओशन वार्मिंग से क्या इंपैक्ट होता है बच्चे इज दैट कोरल ब्लीचिंग होती है मैं आपको अगेन अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है या पॉज करना चाह रहा है पढ़ सकते हैं मैं आपको थोड़ा ऊपर से बताता हूँ सिंपल से भाषा में कोरल ब्लीचिंग यू ऑल नो वट कोरल ब्लीचिंग इज प्लस अगर ओशन वार्मिंग हो रही है दैट मीन इज सी लेवल राइज इसके अलावा डिस्ट्रप्शन ऑफ मरीन फूड वेब्स ये हमने ट्रॉपिकलाइजेशन केस में भी देख लिया लास्ट इज योर ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू ऑफ एंड दैट इज ऑल फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभी मन आई एस current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.